ये कॉन्ट्रैक्टर दे सकते रहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर जो है नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर तीन बेनिफिट हो सकता है, दे सकते रहेंगे। फर्स्ट ही सीएफ क्या कर सकते रहेंगे, बंद कर सकते रहेंगे, स्टार्ट कर सकते रहेंगे, एम्पियर सेट कर सकते रहेंगे। कैसे कैसे होगा ये दिखाते हैं। ये आप कॉन्ट्रैक्टर आपको जिसके मोटर के लिए यूज होता है, का मोटर हो गया, हैवी मोटर जो चल रहा है स्टार्ट करता है, या फिर भी इंडस्ट्री में हो गया मोटर का, जैसे कि बंद करना है, चालू करना है, ज़्यादा एम्पियर ले तो उसे बंद कर दे ऑटोमेटिक तरीके से, तो सब फंक्शन इसके अंदर आ जाते हैं। तो ज़्यादा हमें इसमें एक्स्ट्रा कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं रहता है। उसके लिए देखते रहेंगे, अभी अभी नीचे लाल वाला जो नीचे दबा हुआ है तो ये अभी बंद है, देख सकते स्टार्ट ऑफ है ना, इसे अभी स्टार्ट करना है, इसको दबाएंगे यहाँ से, ये अभी ऑन हो गया, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ना ऑन, ये भी ऑन हो गया इसे दबाने पर, और ये इसे दबाएंगे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम्पियर सेट कर सकते रहेंगे, जैसे मोटर का हमें डिफ़ॉल्ट एम्पियर सेट करना है, मोटर मान लीजिए हमें कोई मोटर है वो 10 एम्पियर ले रहा है, आप चाहते हैं 10 एम्पियर से ज़्यादा ले, जिससे कि मोटर जाम हो गया, पानी ख़राब हो गया, कुछ हो गया, चाहते हैं अगर मोटर ज़्यादा एम्पियर ले तो ये पावर बंद कर दे, जिससे क्या होगा जलने से, वायरिंग जलने से बच जाएगा। तो उसके लिए सेट करना होगा यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 to 40 एम्पियर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एम्पियर हो गया। इसे सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर टेस्टर लेंगे, टेस्टर लेकर के इसे घुमाएंगे, घुमाने के लिए क्या करना है यहाँ पे इस तरह घुमाया, देख ये ब्लैक कलर दे सकते रहेंगे, अभी ये मूव हो रहा है, अब यहाँ से हमने हमें क्या कर दिया यहाँ पे 9 पर लाया, इसके 9 पर ले दिया, ठीक है। वापस हमें क्या करना है, इसके सेट करना है, तो यहाँ से हम घुमा करके आगे कर लेंगे, इसको लगाया यहाँ से, ये हो गया 10 एम्पियर हो गया, यहाँ से 11 एम्पियर हो गया, और यहाँ से 12, 13, ये 14 एम्पियर, इसको हम सेट कर सकते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई सा भी मोटर है, चाहते हैं आपका लिमिट एम्पियर है, ज़्यादा एम्पियर लेगा शॉर्ट सर्किट उसका ख़राब हो सकता रहेगा, तो उसे प्रोटेक्शन के लिए काम कर जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो है बेनिफिट यही है आपका, तीन फंक्शन काम कर जाएगा, इसे आप बंद कर सकते रहेंगे, चालू कर सकते रहेंगे, और एम्पियर सेट कर सकते रहेंगे। ऐसा एक्स्ट्रा कुछ एमसीबी ब्रेकर या एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यही फंक्शन काम कर जाएगा, देख सकते रहे है ना कमाल का। बाकी यहाँ पर कनेक्शन इन करेंगे यहाँ से आउट हो जाएगा, बाकी इसके अंदर आपको A1 A2 कॉइल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दो से रहता है ना, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसमें A1 A2 दिया रहता है, ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करता है। सबका और डिटेल्स में जाने के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर इसे भी खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बहुत सी कंपनी का ऑफर चल रहा है, ये भी जो आपका ब्रांडेड कंपनी है, अच्छा कंपनी रहता है, और भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, विजिट करके आप बाई कर सकते रहेंगे, बहुत से कंपनी का ऑफर चल रहा है। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।